बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बैक अगेन द न्यू वीडियो। आज के ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। आज मैं स्कूल नहीं जा सका क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप देख सकते हैं इधर ये सारा बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी सर में, तो इस वजह से मैं स्कूल नहीं गया। तो अब ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। तबीयत कुछ बेहतर है, मेडिसिन ली थी, तो ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। ओके, आ चुके हैं जी वापस और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। सर का दर्द पता नहीं, मेरे ख्याल से कल एग्जॉस्ट हुआ हूँ सारा दिन स्कूल में, धूप में रहने की वजह से तबीयत ख़राब हुई है। आज अल्लाह के नाम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो बाकी की जो रूटीन होती है वो आपके साथ करते हैं शेयर। ब्लॉग को एंड तक देखिए। आज ही नाश्ते में है फ्राइड एग और साथ स्लाइस, खाते हैं आप। बहुत कोशिश की है इसको खोलने की, लेकिन ये वाला पेज ये आप देख रहे हैं और इस साइड पे स्प्रिंग, ये वाला और ये वाला, ये नहीं खुले। तो ये खुलेंगे प्लास के साथ। मैंने यूट्यूब पे वीडियो एक दफ़ा दोबारा देखी है, तो आप प्लास का अरेंज करते हैं, नोज़ल प्लास जिसको कहते हैं उससे। लेकिन किसी काम को अगर आप मेहनत से करते हैं और अच्छी उम्मीद से करते हैं तो वो हो ही जाता है। तो मैंने खोल लिया ये वेट मशीन, ये बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी, तो इसको वॉश करते हैं। चेक करें ज़रा कितनी मिट्टी है इसके अंदर। अब खोल तो लिया, दुआ करें असेंबल भी हो जाए दोबारा। इसका मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दिया, तो मैं कोशिश करते हैं इसकी जो ये मशीन है ना इसको भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई है। इसके साथ ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करेंगे ताकि कुछ चीज़ ना टूटे, लेकिन इसको भी साफ़ करते हैं। बिस्मिल्लाह। दही फुल्कियाँ और स्टू बीफ का, तो स्टू मैंने अभी नहीं खाया, कल वाला जो हमारा शोरबा बना हुआ था मैं वही खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे शोरबा बहुत टेस्टी लगता है। तो अब खाना खाते हैं शोरबा, मज़ेदार से दही पकोड़े या दही फुल्कियाँ जो भी ऊपर चाट मसाला लगा हुआ। माशाल्लाह की चाय भी आ चुकी है और घर में चाय बनी है। खाने में आज बन रहा है जी स्टीम रोस्ट वंस अगेन। तो वैसे तो हम बनाते हैं, मतलब मैरिनेशन करके रख लेते हैं, फिर फ्राई वगैरह करके खाते रहते हैं स्टीम करके। तो आज लेकिन गेस्ट टाइम है तो उनकी वजह से बन रहा, तो अभी फैस भी लेके आए हैं चिकन, मैरिनेशन वगैरह उसकी कंप्लीट है, अभी 3-4 घंटे लगेंगे उसको मैरिनेट होने में, तो फिर वो बनेगा स्टीम रोस्ट हो आराम से, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो अभी मैं फैस भाई के साथ जाने लगा हूँ बाहर थोड़ी सी देर के लिए, तो बाहर जाते हैं। बाहर तो नहीं, मैं आपको पता है वीडियो बनाऊँगा, तो घर वापस आके आपसे मुलाकात करते हैं। तो अभी चलते हैं बाहर। लें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त स्टीम रेडी हुआ है, चेक करें। गरम गरम तो चल रहा है जी सामने, पिशावर जलमी का और इस्लामाबाद यूनाइटेड्स का। लेकिन मेरे दादा बू की तौबा और मेरे वालिद साहब की तौबा, आज के बाद मैच नहीं दिखाएंगे। जो हमारी टग ऑफ वॉर की वीडियो थी जो हम जीते हैं, वो हमारा जो स्कूल का ग्रुप है उसमें अपलोड हो चुकी थी, तो मैंने उधर से अपने पास सेव कर लिया है, तो वो हम डालेंगे। इस क्लिप के बाद तो आप लोग को भी देखिएगा, और उसमें आप लोगों ने फाइंड करना है कि मैं किधर हूँ। 10th क्लास को हराया और गोल्ड मेडल जीता अल्हम्दुलिल्लाह।